यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एक दिन मुझे किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया कि वो मुझे कॉल मत करे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आया। आखिरकार मैंने थक हार के 15 पे कॉल कर दी। पुलिस अफसर ने मेरा नंबर एक पुलिस वाले को दिया कि आप इसको अपना मसला बता दें। मैंने उनको बताया कि सर, ये लड़का मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहा है। वो पुलिस उस लड़के को उठाकर थाने में ले गई और फिर मुझसे उस लड़के से माफी मंगवाई। उस पुलिस वाले का कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया, कैसी हैं आप और यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री कर रही हैं। मैंने उनको बताया कि सर, मैं प्लांट डिग्री कर रही हूँ और अब मेरी ये डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि जब आपकी यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन ओपन हो तो मुझे भी लाजमी बताइएगा। रिजल्ट आने के बाद एडमिशन ओपन हो गए। मुझे उस पुलिस वाले का याद आया। मैंने अम्मी के मोबाइल से उस पुलिस वाले का नंबर निकाला। मैंने उससे कांटेक्ट किया कि सर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो गए हैं, आप एडमिशन मेरी यूनिवर्सिटी में ले लें। उसने मुझे कहा कि मैं एडमिशन तब लूँगा जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगी। यूनिवर्सिटी और आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगी। अगले दिन हम यूनिवर्सिटी गए और एडमिशन करवाए। मेरी डिग्री और थी और उनकी कोई और। फिर अक्सर हमारी बात होने लगी। मैं स्टडी में उनको गाइड किया करती थी। मेरी ये आदत थी, मैं अपने अम्मी अबू से हर बात आसानी से शेयर कर लेती थी। मैंने अपने घर बताया हुआ था मैंने एक पुलिस वाले का एडमिशन करवाया है। फिर हमारी बात रोजाना होने लगी और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और शादी को लेकर हम जीने मरने की कुरान की कसमें उठाने लगे। इन 2 सालों में हम आज तक पाए नहीं मिले, सिर्फ इम्तिहानों के दिनों में मिलते थे या फिर क्लास में दौरान स्टडी हमारे दरमियान एक लड़की आ गई। मैं नहीं जानती उनका क्या ताल्लुक था। मुझे उसने बस यही कहा था कि ये मेरी बहन है, लेकिन अक्सर उसकी खातिर वो मेरी इंसल्ट कर देता था और मुझसे बात भी नहीं करता था। मैंने उसे एक दिन तंग आकर कह दिया कि अगर आपने ऐसे ही करना है तो बेशक आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, आपका जहां दिल करे आप शादी कर लें। पूरे 2 महीनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर 2 महीनों के बाद उसने मुझसे दोबारा से रابطہ किया कि मेरी कहीं मंगनी हो रही है। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। वो आगे से रोई जाए, कांपे जाए। मैंने उसे कहा कि आप करवा लें मंगनी जहां भी आपका दिल करे, जब तब आपने मेरी बात नहीं मानी। जब उस अपनी बहन जी से आप दूर नहीं हुए तो अब क्या फायदा, अब सब कुछ मैं भूल गई हूं। खैर, उनकी जिद पे मैंने
अपने वालिदैन को बताया कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। मुझे मेरे वालिदैन ने बताया कि हमने तुम्हें पहले दिन से ही बताया था कि देखो बेटी, तुम स्टडी तक ही रहना। मैंने उनको बताया था कि हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते, क्योंकि हम अराई बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और वो जट बरादरी से। मेरे वालिदैन ने साफ साफ इनकार कर दिया, जहाँ कहीं शादी कर देंगे लेकिन वो आउट ऑफ कास्ट कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर एक दिन उनकी मंगनी हो गई, फिर उसके बाद तो जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, क्योंकि मेरी सारी खुशियां उसी इंसान से वाबस्ता थी। मेरी शायद उस बहन जी को लेकर बहुत ज्यादा गलत फहमी थी, या शायद वो सस्ता मैं नहीं जानती। मैं कई बार सोचती मैं उसके इंतजार में सारी सारी रात रोती रहती हूँ, लेकिन उसे मेरा जरा एहसास नहीं होता कि कैसे एक इंसान कुरान पाक पे कस्में देके किसी और का हो जाए। आज रिश्ते के लिए तो मैंने भी हाँ कर दी, लेकिन मैं आज तक उसको कभी नहीं भुला पाई। कई बार उसकी याद आती है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं सिर्फ ये सोच कर सबर कर लेती हूँ कि जैसे अल्लाह का हुक्म। मैं आज भी ये सोच कर खामोश हो जाती हूँ कि शायद मेरी जिंदगी में उनकी कमी हमेशा रहेगी। 2 साल का ताल्लुक था, पता नहीं कैसे और कब उस बहन जी की वजह से टूट कर ख़त्म हो गया। मेरे दिल में आज भी उसके लिए बेहद मोहब्बत है। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन की मरीजा बन गई हूँ, लेकिन मैंने कभी उससे रब्ता नहीं किया, क्योंकि मेरी वजह से उनका घर बर्बाद ना हो जाए। तुम देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम मेरी मोहब्बत को जान जाओगे, और फिर उस दिन तुम मेरी जानिब भागते हुए आओगे और मुझे आकर कहोगे कि देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को मान गया। मगर अफसोस कि उस दिन तुम्हारा लौटना बेकार जाएगा, क्योंकि मोहब्बत को साबित करने के लिए हम जैसों को मरकर दिखाना पड़ता है।